गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ मुक्तेश्वर, जो कि उत्तराखंड का एक हेवन ऑन दी अर्थ है। आपको यहाँ पे जो आपको एक्टिविटीज करने को मिलेंगी वो हैं, यहाँ पे जो फेमस है वो यहाँ पे 5000 साल पुराना शिव का मंदिर, जिसकी मंदिर की घंटियों की आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे है फेमस सुसाइड पॉइंट या व्यू पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो एडवेंचरस एक्टिविटी होती है। और जो यहाँ पे सबसे खासियत है वो है यहाँ की शांति, पीस ऑफ माइंड और यहाँ की व्यूज, यहाँ की सीनरीज। वेलकम टू मुक्तेश्वर। तो गाइस, सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ भोलेनाथ का जो सबसे पुराना यहाँ पे मंदिर है वहाँ, और उसके बाद यहाँ की व्यूज दिखाता हूँ आपको। तो आओ चलते हैं, भगवान के दर्शन करके आते हैं। तो गाइस, इतना मैं करता हूँ भगवान के दर्शन, और तब तक आप कुछ सिनेमैटिक वीडियोग्राफी का, कुछ शॉर्ट्स का मजा लीजिए। ठंड है, अप्रैल में भी जैकेट वगैरह जरूर लेके आना। अगर यहाँ पे आए तो यहाँ का राजमा चावल और चावल भाट, जो एक पहाड़ी डिश है, वो जरूर ट्राई कीजिए। मैं भी खाता हूँ। राजमा चावल, कढ़ी चावल खा लिए हैं, और अब चलते हैं यहाँ के फेमस व्यू पॉइंट पे, जहाँ से पूरी पूरी आपको वैली दिखेगी जिसको बोलते हैं। दिल्ली से मुक्तेश्वर का जो मेरा व्लॉग है, उसका जो पूरा लिंक है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। गाइस, कैसा लग रहा है लोग? सो राइट नाउ आई एम जस्ट वेरी नियर ऑफ द क्लाउड्स। और ये बीच में अटक गए। कैसी लगी जगह? है ना ऑसम। दिल्ली से इतनी दूर, दिल्ली से ना 8 घंटे का रास्ता है यहाँ तक आने का। अगर आओ तो कुछ हैपनिंग तो होना चाहिए ना, ये व्यूज़ के लिए ही तो इतनी दूर आते हैं लोग। सच में ऑसम है, ऑसम। तो कुदरत के इतने प्यारे प्यारे नज़ारों का मज़ा लेने के बाद में अब चलते हैं वापस रिजॉर्ट,
आई होप ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का अंगूठा लगा दो, बटन लगा दो, जो मर्जी लगा दो, पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता है जल्दी एक नए ब्लॉग में, एक नई डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय।